यूं तो पूरे साल शिव की पूजा होती है, लेकिन श्रावण महीने में जहां महीने भर भगवान शिव का अभिषेक होता है, वहीं फाल्गुन महीने में होने वाली शिवरात्रि का भी अपना महत्व है। इस दिन खास उस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है जहां शिव और पार्वती एक साथ होते हैं। शिवरात्रि के इस विशेष अवसर पर हम आपको ऐसे ही एक मंदिर का दर्शन कराएंगे जो उमानंद के नाम से जाना जाता है और असम की राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप की चोटी पर है। शिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट तक यात्रा स्टीमर से तय करनी होगी। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित किसी भी घाट से स्टीमर आसानी से मिल जाती है। टापू के पास स्टीमर से उतरते ही आपको एक प्रवेश द्वार मिलेगा। द्वार के दोनों ओर बैठे हैं नंदी। इस प्रवेश द्वार से चोटी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब आप आधी ऊंचाई पार कर लेंगे, तब आपको पूजा सामग्री खरीदने के लिए कुछ दुकानें मिलेंगी, जहाँ अक्सर लोग सुस्ताने और पानी पीने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको उजले रंग का उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार मिल जाएगा, जहाँ प्रवेश कर आप मंदिर परिसर में पहुँच जाएंगे। मंदिर परिसर में दाखिल होने पर सबसे पहले छोटा सा गणेश मंदिर है। भक्त पहले वहाँ माथा टेकने के बाद ही उमानंद मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गणेश मंदिर के सामने ही मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। मुख्य मंदिर में दाखिल होते ही मुख्य गर्भगृह से सटे एक बड़े हॉल के बीचों बीच विराजमान हैं ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करने के बाद आगे बढ़ने पर मंदिर का मुख्य गर्भगृह मिलता है, जिसके द्वार के दोनों ओर राधे श्याम लिखा हुआ है और ऊपर कांसे में पतरी पर भगवान शिव की खुदी हुई तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से आप मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यहाँ से आगे कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि गर्भगृह के अंदर एक अखंड दीप उस दिन से जल रहा है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस उमानंद मंदिर में उमा का अर्थ है माँ, यानी पार्वती, और आनंद भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर से नीलाचल पहाड़ी भी दिखाई देती है, जहाँ माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब माता पार्वती नीलाचल पहाड़ी पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा उमानंद। जिस पहाड़ पर मंदिर है उससे जुड़ी कहानी ये है कि यहाँ भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, इसलिए इस पहाड़ी को भस्मांचल पहाड़ कहते हैं। उमानंद मतलब शिव और पार्वती का मंदिर है, ये कामाख्या माता का भैरव बोल के जाना जाता है। दोनों आनंद किया, इसीलिए नाम हो गया उमानंद। माता और दोनों बाबा एक साथ है, दोनों आलिंगन मूड में है, इसीलिए बाबा को देखा जाता है, माँ को नहीं देखा जाता है, जो कपड़ा ढक के रखा है। ये पहाड़ का नाम है भस्मासन, इधर से कामदेव को भस्म किया। इतिहास बताता है कि अहोम राजा गदाधर सिंह ने इस मंदिर को साल 1694 में बनवाया था। 1897 के विनाशकारी भूकंप के दौरान मूल मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में एक स्थानीय व्यापारी ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया। यूं तो साल भर यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के मौके पर पूरे पहाड़ पर तिल धरने को जगह नहीं होती। इस मंदिर की एक और विशेषता ये भी है कि यहाँ साल भर शाकाहारी भोग लगाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन मांसाहारी भोग लगता है। पहले से तो इतना तो सुविधा भी नहीं था, अभी भी सरकार ने सुविधा भी कर दिया, इसीलिए आदमी भी ज़्यादा हो रहा है। पहले नौका था, नौके में आदमी लोग डर रहा था, उसके बाद अभी फेरी दिया, बड़ा बड़ा फेरी दिया, इसलिए आदमी भी ज़्यादा हो रहा है। मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, मूल मंदिर से सटा एक और लाल रंग का मंदिर दिखाई देता है, जिसे महाकाल शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है।
इस महाकाल शिव मंदिर का निर्माण 1820 में हुआ था। इस मंदिर के अंदर भी शिवलिंग है। महाकाल मंदिर से सटा हुआ एक और छोटा सा मंदिर है जिसे बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी शिवलिंग है। भक्तगढ़ इन दोनों मंदिरों में बिना माथा टेके नहीं जाते। भक्तों को इस मंदिर में बहुत आस्था है। जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आता है, और जो नहीं आ सका उसे कम से कम एक बार यहाँ आकर बाबा के दर्शन करने की ललक रहती है। भक्त ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। ऐसे सुना कि एक ऐतिहासिक टेम्पल है, यहाँ पे भगवान शिव जी और माँ गौरी का है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, ये माँ कामाख्या की भूमि है। ऐसा सुनने में आया कि जो यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है वो कंप्लीट होती है, तो माता के दर्शन हो चुके हैं कल, तो आज हम यहाँ शिवा टेम्पल में आए। ज़्यादा कुछ तो हमें कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि अभी हम न्यू आए हैं यहाँ पर, मगर हम सुने ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे दर्शन करने से मनकामना पूर्ण होती है और उम्मीद है कि मेरी मनकामना पूर्ण होगी। कुछ भक्तों का मानना है कि पहले उमानंद का दर्शन करना चाहिए फिर माँ कामाख्या का। उनके अनुसार पहले उमानंद के दर्शन करना कामाख्या में माता के दर्शन के लिए भगवान शिव से इजाज़त लेने जैसा है। गुवाहाटी आने वाले श्रद्धालु कामाख्या मंदिर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें उमानंद मंदिर के बारे में पहले से मालूम होता हो। लेकिन जब उन्हें इस मंदिर के बारे में मालूम पड़ता है तो उमानंद के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। भक्त तो यहाँ तक मानते हैं कि माँ कामाख्या जिसे चाहती हैं वो ही माता के दर्शन करने कामाख्या आ पाता है, वरना पैसे होने के बाद भी आप माता के दर्शन नहीं कर पाते। और जो माता का दर्शन करने कामाख्या आता है उसे बाबा के दर्शन करने उमानंद जरूर आना चाहिए। शाम में हम पहली बार आए हैं, माता कामाख्या के दर्शन किया है, परसों भी दर्शन किया था, कल भी किया था दर्शन, आज भी किया था। यहाँ के बारे में हमको नहीं पता था, तो वहाँ से पता लगा कि उमानंद भोले बाबा के दर्शन किए गए। फिर मैं वहाँ से पानी वाले जहाज पे बैठ के यहाँ भोलेनाथ के दर्शन, मैंने सुना पूर्व जन्म शुक्र होता है तो दर्शन हो जाता, नहीं तो पैसा है ना भी इधर नहीं आ सकता। वो इधर आना मेरे पूर्व जन्म शुक्र थे, वो माता जी को दर्शन होने के बाद मैं स्वामी जी को दर्शन करने शंकर भगवान को दर्शन के लिए इधर आया। ये तो मेरा पूरा अचीवमेंट जैसा फील हो जाता है। गुवाहाटी का ये उमानंद मंदिर असम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी साल भर यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।